प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को आईआईटी की सौगात दी। पीएम ने आईआईटी के भिलाई परिसर का शुभारंभ किया। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के परिसर का वर्चुअल शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। आईआईटी भिलाई का परिसर देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य करीब 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। इसके अलावा कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय के नव निर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना पड़ेगा। पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आईआईटी भिलाई की खासियत, थर्ड जेनरेशन आईआईटी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम। यहाँ छोटे कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस। आईआईटी भिलाई में 2,500 छात्रों की क्षमता। वर्तमान में 700 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे। निर्माण के लिए 1,090 करोड़ स्वीकृत। 889.22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग निर्माण, लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम, क्लासरूम बनाए गए। 2023 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया। भिलाई आईआईटी में साल 2023 के अक्टूबर से छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले रायपुर के सेज बहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईआईटी चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।